कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग चल रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जानकारी लेने के लिए जिसका काव्य जगत में आज तक कोई बराबरी नहीं कर पाया है, जो जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान है, जिसकी लेखनी से निकले हुए वो पंक्तियाँ निरक्षर से लेकर के विद्वान तक गुनगुनाया करते हैं और सामाजिक प्रसंग आने पर दृष्टांत के रूप में उनकी चौपाइयों को पेश किया करते हैं, वो हैं संत तुलसीदास। बच्चों, आप लोग अध्ययन करते हैं हिंदी का, मुझे आप लोगों से एक अपील ये करनी है कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें काफ़ी परिश्रम से हम इसको तैयार करते हैं। मेरी ये सोच रहती है, मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक दे सकूँ मैं ये वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन चल रहा है इसका अभाव आपको न खटके। तो पूरा प्रयास बड़ी मेहनत के साथ हम इसको तैयार करते हैं। आप लोगों के लिए ये कहना है कि आप लोग YouTube में जाकर तनिष्क क्लासेज नाम का एक चैनल है, मेरा स्वयं का है, एक्सप्लेन्ड बाई राम शंकर सिंह, तनिष्क क्लासेज YouTube चैनल में, तनिष्क क्लासेज एक्सप्लेन्ड बाई राम शंकर सिंह, इसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये चैनल आगे चलता रहे, तो मुझे भी थोड़ा से एक प्रकार का बल मिलता रहेगा आप लोगों से, और मैं ज़्यादातर पूरी तरह से जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ आपको देने के लिए प्रयास करता रहूँगा। तो इस अपील के बाद अब हम लोग आ रहे हैं आज संत तुलसीदास के जीवन परिचय के विषय में। बच्चों, खूब अच्छी तरह समझिए, अगर आप लोग इसको सुन लेंगे अच्छी तरह से और पूरा सुन लेंगे वीडियो और समझ लेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जीवन तुलसीदास के जीवन की एक कहानी है जो अजीबो गरीब है, हैरत अंगेज है, आश्चर्य में डाल देने वाली कहानी है। एक ऐसा माँ शारदे का अमर गायक, सरस्वती का वरद पुत्र, जिसके जीवन में अभी तक जो उतार चढ़ाव आए ऐसा किसी कवि या लेखक के जीवन में शायद देखने कोई नहीं मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम पद्य की कुछ पंक्तियों को लेकर के इनके जीवन के ऊपर एक संक्षिप्त प्रकाश डाले दे रहे हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। संवत 1589 में जागा राजापुर भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला बोला था राम नाम जन्म तत्काल, अब पिता आत्मा राम देख कर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा मन में कुछ आभास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को मुनिया दीना नर हरिदास। पालित पोषित शिक्षित होकर शेष सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ मान। काशी वास किया हो करके राम स्नेह सागर में लीन, ला करके हिंदी जग को फिर रामचरित मानस मणिदीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसी जय तुलसी दास। ये एक संक्षिप्त काव्यात्मक रूप में इनके जीवन का परिचय रहा, लेकिन मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बच्चों, तुलसीदास के जन्म काल और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, मतैक्य नहीं है। कई तथ्यों के आधार पर एक जो सर्वमान्य तथ्य निकला या जिसको अधिकांश लोग मानते हैं, इनका जन्म काल जो था संबत 1589, विक्रम संबत 1589 को अधिकांश मान्यता मिली है कि इनका इस संबत में जन्म हुआ था। जहाँ तक जन्म स्थान के विषय में बात है, तीन मत प्रचलित हैं। प्रथम मत में बांदा जिले का, इस समय तो चित्रकूट बन गया है,
जिले का एक राजापुर गांव है, यमुना के तट पर बिल्कुल बसा हुआ है। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ, एक वर्ग मानता है विद्वानों का। दूसरा वर्ग कहता है कि एटा जिले के सोरों एक गांव है, सोरों नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। और एक तीसरा जो वर्ग है विद्वानों का, वो ये मानता है कि आजमगढ़ जिला या आप कह लीजिए गोंडा जिला, गोंडा जिले में एक सूकर क्षेत्र है, सूकर नामक स्थान है, वहाँ पर लोग बाग इनका जन्म मानते हैं। लेकिन तमाम विचार विमर्श और शोध के आधार पर सर्वाधिक मान्यता तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में बांदा जिले का राजापुर गांव जो है इसी को ही मिली हुई है। तो संबत 1589 ईस्वी थी और चित्रकूट जिले का राजापुर गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म अपने आप में एक रहस्य है, एक पहेली है जिसको कोई समझ नहीं पाया आज तक। बताते हैं कि ये अपनी माँ के पेट में पूरे 12 महीने तक थे, एक साल तक पेट के अंदर थे। और जब ये पैदा हुए तो एक चमत्कार दिखाई पड़ा। चमत्कार ये था कि इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे, पैदा होते जबकि बालक के 32 दांत नहीं होते हैं, पूरे 32 दांत थे। और पैदा होते ही ये रोने की जगह इनके मुंह से राम राम निकला था, बताते हैं राम राम बोले थे जब माँ के पेट से पैदा हुए थे। तो उसी लिए उसी के आधार पर इनका नाम एक रख दिया गया तुरंत, राम बोला। तुलसीदास का एक दूसरा नाम क्या था? राम बोला, याद रखिएगा, यह आया करता है परीक्षा में राम बोला। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके इनकी माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। बड़े खुश हुए पिताजी, पुत्र का जन्म हुआ। गए पंडित जी के पास विचार करवाने की किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ। तो विचार करने के बाद पंडित जी ने बताया कि ये बड़ा अशुभ बालक पैदा हुआ है आपके घर में, अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुआ है और ये बड़ा अशुभ है, इसको आपको त्याग देना पड़ेगा वरना आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये सुन करके बड़े दुखी मन से पिताजी घर आए और उन्होंने इनको अपने घर से हटा दिया। एक बगल में रहती थी निसंतान मुनिया नाम की एक स्त्री थी, उसको दे दिया कि ले जाओ तुम अपने घर में, इसको पालो पोसो जा करके। वो ले गई। इधर इनकी माता का देहांत भी हो जाता है, हुलसी जो थी उस उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद इनके पिता आत्माराम दुबे की भी मृत्यु हो गई। अर्थात तुलसी के लिए इस धरातल पर इस जगत में कोई उनके ऊपर साया करने वाला नहीं था। माँ का आंचल समाप्त हुआ और पिता के वरदानी हाथ जो था वो भी ऊपर से हट गया। तुलसी इस दुनिया में केवल इकलौते अकेले रह गए और वो मुनिया नाम की दासी जो थी इनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे ये बड़े हुए, बड़े होने के बाद इनका विवाह हुआ। विवाह कहाँ हुआ? आप बताते हैं कि राजापुर गांव जो इनका यमुना के तट पर बसा हुआ है और दूसरे तट पर नदी के दूसरी किनारे पर एक महेवा घाट बसा हुआ है। महेवा घाट आप लोग जानते होंगे, महेवा घाट जाते हैं, अगर चित्रकूट जाते होंगे तो महेवा घाट रास्ते में पड़ता है। तो वहीं पर इनकी शादी हुई। इनके ससुर जी का नाम था दीन बंधु पाठक और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। बताते हैं शादी होने के बाद पत्नी इनके घर आई, ये पत्नी उससे बहुत प्रेम करते थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि एक दिन पत्नी जो थी इनकी, इनसे बिना बताए हुए अपने मायके चली गई। भाई आया उसका और इसको बुला ले गया। तुलसीदास कहीं बाहर गए थे, जब शाम के आते हैं पता लगाते हैं तो पता लगता है कि वो अपने मायके चली गई बिना बताए हुए। इसके प्रेम में उन्मत्त होकर के तुलसीदास जी रात के ही, अंधेरी रात थी और बीच में यमुना नदी की उत्ताल तरंगे उफान मार रही थी, नदी को पार करने का कोई साधन नहीं था, नौका नहीं थी, रात का आधी रात का समय था। लेकिन तुलसीदास के मन में यह था कि मुझको रत्नावली के पास जाना है, ये
चल पड़े एक संकल्प लेकर के कि किसी भी तरह मुझको आज उसके पास पहुंचना है। वो कैसे चली गई? तो जब कोई असाधारण घटना घटने को होती है तो उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनना शुरू हो जाती है बच्चों, उसकी पट कथा बहुत पहले से लिख जाया करती है। वही हुआ इनके साथ। जब ये यम नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ सुनसान था, बहुत डरावना दृश्य था नदी के किनारे आधी रात के। इन्होंने जब इनको कुछ न दिखाई पड़ा तो एक लाश बहती हुई नदी में चली आ रही थी। तुलसीदास ने उसको पकड़ लिया और उसी के सहारे, लाश के सहारे ये नदी को पार कर गए। पार करने के बाद जब ये पहुंचते हैं अपने ससुराल, तो देखिए अभी कुछ घटना घटने वाली है। ससुराल के दरवाजे खुले हुए थे, ये अंदर प्रवेश करते हैं। इनके ससुराल वाले जितने लोग हैं सब सो रहे थे। ये अपने पत्नी रत्नावली को ढूंढते हैं, आंगन के अंदर जाते हैं। जब वहाँ भी नहीं मिलती है तो इनको आश्चर्य होता है कि ये गई तो कहाँ गई। फिर ये सोचते हैं कि ऊपर अट्टालिका पर सो रही होगी, अब सीढ़ी थी नहीं चढ़ने के लिए इनको ऊपर। तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इनको एक काला रंग का सांप जो है वो लटक रहा था और इन्होंने सोचा कि ये रस्सी है और उसी सांप को, काला सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी अट्टालिका के ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वहाँ रत्नावली सो रही थी, उसके चारपाई पर जब इनका एक कदम ये रखते हैं तो रत्नावली चौंक करके जाग जाती है और तुलसीदास को देख करके वो चकित हो जाती है और उसको गुस्सा आता है और तुलसीदास को फटकारती है। क्या फटकारती है? लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीत, वैसो जो श्री राम माँ होत न तो हो भी। आप क्या मेरे हड्डी मांस और चमड़ी की बनी हुई इस शरीर के ऊपर इतना आसक्त होकर के भाग के चले आए वहां से? इतना बड़ा प्रेम आपने मुझसे कर लिया, जबकि यदि इतना ही प्रेम आप भगवान राम से कर लिए होते तो आप इस संसार सागर से पार हो जाते। रत्नावली की इस फटकार ने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दिया। तुलसीदास तुरंत अपने पैरों को खींचते हैं वहाँ से और अपनी पत्नी को पत्नी नहीं अब माँ मान लेते हैं और उसकी उस शिक्षा जो है उनके हृदय को, हृदय में जाकर बैठ जाती है। सीधा घर बार छोड़ करके तुलसीदास, उनको विरक्ति पैदा हो जाती है और वो चले जाते हैं काशी। काफ़ी दिन तक काशी में साधु संतों के बीच में रह करके कुछ दिन के बाद अयोध्या जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं। इसके बाद चित्रकूट में आकर के बहुत दिनों तक रहते हैं और भगवान की भजन, भगवान के कीर्तन और साधु संतों की संगत, देशाटन यही करना शुरू कर देते हैं। इनको ज्ञान प्राप्त होता है और इनको यह था कि मुझको भगवान के दर्शन करना है चाहे जो भी हो। फिर ये बड़ी लगन लगती है, फिर ये फिर अयोध्या जाते हैं और संवत 1631 में इन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है रामचरितमानस, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिसकी शिक्षाओं की पताका पूरे विश्व में आज फहर रही है, जिसको जन जन हर तरह का व्यक्ति जो है जिसकी चौपाइयों को कंठस्थ रखता है और गुनगुनाता है अपने सुने समय में, तो वो रामचरितमानस की रचना वहीं की है। 2 वर्ष 7 माह तो वो कुछ दिन के बाद ये रचना पूरी होती है इनकी। इसके बाद इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरबे रामायण, कृष्ण गीतावली आदि आदि। और ये अवधि, साहित्यिक अवधि भाषा में इन्होंने रचना किया। वैसे ये अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं के पंडित थे, इन्होंने दोनों भाषाओं में रचना किया है। और कोई भी ऐसा अलंकार नहीं है, कोई भी ऐसा रस नहीं है जो इनके काव्य में ना मिलता हो। इसीलिए बताया जाता है कि एक इनके विषय में उक्ति कही जाती है कि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, अवबिके कवि कद्योत समझाता करत प्रकाश। सूरदास को सूर्य के समान माना गया है काव्य जगत में और तुलसीदास को चंद्रमा के समान माना गया है काव्य जगत में। तो ये इस तरह से राम की भजन करते हुए भगवान के दर्शन भी इनको चित्रकूट में हुए हैं ऐसा भी बताया जाता है, और हनुमान जी के बहुत बड़ी प्रिय पुजारी भी थे। इसके बाद में बताते हैं कि इनकी मृत्यु हुई है संवत 1680 में। वो एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजव समीर। और इस तरह से इनके गुरु का नाम भी आप जान लीजिए कि बाबा नरहरिदास था।
एक संक्षेप में, इनका जन्म हुआ संवत 1589 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, ससुर का नाम दीनबंधु पाठक। जहाँ जन्म हुआ ज़्यादातर मान्यता बांदा जिले के राजापुर क्षेत्र। इनकी जो ससुराल थी वो महेवा घाट में थी। इनके गुरु का नाम था बाबा नरहरी दास। इनकी मृत्यु हुई संवत 1680 में। कहाँ पर हुई? काशी में हुई, वाराणसी में हुई। और इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है जिसने इनको ख्याति दिला करके साहित्य जगत में अमर कर दिया, वो है रामचरितमानस। और वैसे इनकी रचनाएं और बहुत सी हैं। और इस प्रकार से तुलसीदास का जीवन परिचय आपको इसी तरह पढ़ करके लिखना है अपनी कापियों में और इसको याद भी करना है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है और जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने के पहले इसका जीवन परिचय बहुत ज़रूरी है। आप लोग जीवन परिचय सुन चुके हैं, काफ़ी कुछ आपको याद हो गया होगा। पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे।